टमाटर की कीमतों ने अब पेट्रोल को पछाड़ दिया है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर के भाव ने मानो आसमान छू लिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की तरह ही सब्जियों के दाम भी लोगों को हैरान कर रहे हैं। इसका सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की किचन का बजट भी डगमगा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में 1 किलो टमाटर 100 रुपए कीमत के साथ बिक रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन विक्रेता की दुकान पर टमाटर 80 से 90 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। वहीं टमाटर कई जगहों पर 100, 150 और 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर के सबसे बड़े उत्पादक आंध्र प्रदेश में जहां इसकी कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। चेन्नई में भी टमाटर के तेवर चढ़े हुए हैं और वो 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। थोक कारोबारियों के मुताबिक सर्दियों के मौसम में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो के आसपास रहता था, लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में असामान्य बारिश के बाद बाढ़ से काफी फसल बर्बाद हो गई है और दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर के बढ़ते दामों का हाल देख आम आदमी की परेशानी और बढ़ गई है। आपूर्ति में कमी की वजह से टमाटर के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे और अर्धशतक के बाद अब शतक लगा रहे हैं। इसके अलावा कई राज्यों में टमाटर के भाव तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। टमाटर के दाम में इजाफा होने से आम आदमी की जेब पर गहरा असर पड़ा है। अब आपको बता दें कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं टमाटरों के दाम। दरअसल टमाटर के दाम बढ़ने के कई वजह है। देश में भारी बारिश की वजह से फसल खराब होने से टमाटर की कीमतों में बम्पर उछाल आया है। दरअसल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़ के कारण टमाटर की फसल खराब होने से टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। कम पैदावार और ज़्यादा मांग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन लागत में बढ़ोतरी से भी टमाटर में उछाल आया है। वहीं उम्मीद है कि देश की जनता को जनवरी फरवरी तक टमाटर के दामों में राहत मिल सकती है। थोक सब्जी कारोबारियों के मुताबिक टमाटर की नई फसल 15 अक्टूबर को लगाई गई थी, जिसे तैयार करने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी फरवरी तक टमाटर के दामों में कमी आ सकती है। इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।